औरंगाबाद के बारुण में कोरोना टीकाकरण महाअभियान में भीड़ देखने को बनी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बारुण में टीका लेने के लिए ग्रामीण लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान पुरुषों की कतार में जबरन घुसने को लेकर कई ग्रामीणों के बीच विवाद भी होता दिखा, लेकिन महिलाओं की टीकाकरण केंद्र पर तो न कहीं पंक्ति दिखी और न ही शारीरिक दूरी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बारुण के परिसर में दो टीकाकरण केंद्र बना हुआ है। एक टीकाकरण केंद्र पर पुरुषों की लंबी ठेलम ठेल पंक्ति बनी हुई है तो दूसरी टीकाकरण केंद्र पर न तो लाइन है और न ही शारीरिक दूरी। एकादुका लोग मास्क का प्रयोग किए दिखे, बाकी बिना मास्क का। भीड़ जितनी जुटी कि टीकाकरण केंद्र में गैदरिंग हो गया। अस्पताल प्रशासन बारुण पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष धनंजय शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस व महिला और पुरुष सिपाही को तैनात कराया गया। इधर अस्पताल के चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र यादव ने बताया कि लोगों में कोविड वैक्सीन को लेकर जागरूकता हुई है। ग्रामीणों में होड़ मची है कि जनता सबसे पहले हम कोविड वैक्सीन ले लें, उतना ही अच्छा होगा। हालांकि यह अच्छी पहल है, परंतु लोगों से अपील किया कि कोविड 19 के नियमों का भी पालन अवश्य करें, मास्क का प्रयोग करें, शारीरिक दूरी का पालन करें और अनुशासन का परिचय भी दें। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन लेने की वजह से अस्पताल परिसर में काफ़ी भीड़ हो जा रही है, क्योंकि यहाँ बारुण प्रखंड के अलावे जिला के कई प्रखंड के लोग आकर वैक्सीन ले रहे हैं। भीड़ बढ़ी है, जिसे नियंत्रित करने के लिए बारुण पुलिस के सहयोग ली जा रही है। उन्होंने कहा कि आज 700 डोज दिया गया है और शाम तक 2000 डोज का लक्ष्य है। इस दौरान केंद्र के स्वास्थ्य प्रबंधक मनीष कुमार, अकाउंटेंट प्रवीण कुमार, देवंती देवी, संगीता देवी, प्रमिला देवी के अन्य लोग भी मौजूद रहे। आपका क्या कहाँ घर है? कोरोना वैक्सीन लिए अभी तक? कितना देर से खड़ा है? क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था को देख करके? व्यवस्था चाहिए जी। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। किस पद से हैं अस्पताल में? मैं यहाँ चिकित्सा पदाधिकारी के। कोरोना वैक्सीन को लेकर के आज अस्पताल में काफी भीड़ हो गई है, जिससे लोग घंटों खड़े रह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन, अस्पताल प्रशासन के व्यवस्था में? देखिए, पहले लोगों में जागरूकता नहीं थी, अब जैसे जैसे जागरूकता ये है कि सब लोगों को लगने लगा कि हमें सुई लगवाना चाहिए, तो सब लोग बहुत ज़्यादा नंबर में उमड़ करके आ रहे हैं और हॉस्पिटल प्रशासन को वाकई बड़ा मुश्किल हो रहा है चीज़ों को व्यवस्थित करने में। करीब 2000 वैक्सीन हमारे पास आए हैं और वैक्सीन सबको लग भी रहे हैं। भीड़ इतनी हो गई है कि हमें पुलिस का भी सहयोग लेना पड़ रहा है, और ये अच्छी बात है कि कोरोना के लिए लोग जागरूक हुए हैं और कोरोना को हम लोग मात दे पाएंगे तभी जब हमारे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं वो सारे अगर वैक्सीनेटेड। कोरोना के लिए जागरूकता तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि काफ़ी भीड़ है और भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई ध्यान दिख नहीं रहा लोगों को। भीड़ जो है मॉब तो एक ऐसी चीज़ है जिसको कंट्रोल करना वाकई मुश्किल है, फिर भी हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और हम लोग सहयोग भी ले रहे हैं। थाना प्रभारी से हमने बात किया है, थाना प्रभारी ने यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भेजे हैं जो हमें सहयोग कर रहे हैं यहाँ लोगों को दूरी बना करके और तरीके से वैक्सीन लेने के लिए। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं? यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, नवीनगर से आ रहे हैं, उमरा से, दाऊदनगर से आ रहे हैं, और जो इंटीरियर्स हैं जो थोड़े दूर पड़ते हैं जहाँ पर सुविधाएं नहीं है वहाँ के लोग भी आ रहे हैं। कितनी वैक्सीन पड़ेगी आज? आज कम से कम 700 साढ़े 700 तो वैक्सीन अभी लग गया है और अभी और लग रहा है।